भगवान बिरसा मुंडा की पवित्र धरती पर हम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। झारखंड के लिए आज एक बड़ा ही गौरवशाली दिन है, जब राज्य के विकास के रथ को आगे बढ़ाने के लिए स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी झारखंड की राजधानी रांची पधारे हैं। हम प्रधानमंत्री जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच झारखंड के राज्यपाल माननीय डॉक्टर सैयद अहमद जी, झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी, केंद्रीय कानून और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री माननीय रविशंकर प्रसाद जी, विद्युत कोयला एवं रिन्यूएबल ऊर्जा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार माननीय पीयूष गोयल जी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री माननीय सुदर्शन भगत जी, नेता प्रतिपक्ष माननीय अर्जुन मुंडा जी, सांसद माननीय राम टहल चौधरी जी मौजूद हैं। हम आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। खनिज संपदा से भरपूर झारखंड के औद्योगिक मानचित्र पर आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा नई परियोजनाएं संपादित हो रही हैं। प्रधानमंत्री जी आज पावर ग्रिड की रांची धर्मजयगढ़ सीपत ट्रांसमिशन लाइन, जो पूर्वी और पश्चिमी ग्रिड को जोड़ने वाली पहली 765 केवी लिंक है, राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 1980 मेगावाट क्षमता का एनटीपीसी का चतरा स्थित नॉर्थ कर्णपुरा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रांची केंद्र और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के रांची इंक्यूबेशन सेंटर का शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता अभियान का शुभारंभ करेंगे और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के जसीडी ऑयल टर्मिनल को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। हर परियोजना का मूल आधार होता है बिजली, और घर घर बिजली पहुंचाने के लिए कृत संकल्प हैं हमारे विद्युत मंत्री माननीय पीयूष गोयल जी। हम उनसे निवेदन करेंगे कि हमें संबोधित करें माननीय पीयूष गोयल जी। भारत के लोकप्रिय और जननेता प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, आज आपको स्वागत करने के लिए जो जन समूह आज यहाँ पे आया है, मुझे लगता है आज तो बादल भी बरस गए हैं आपके स्वागत में। और पूरे विश्व में ये एक तरीके से इतना बड़ा समूह एक कार्यक्रम के उद्घाटन में आए, ये शायद पहला ही मौका होगा। मैं झारखंड की जनता को, झारखंड के नागरिकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं और जनता का धन्यवाद करता हूं। हमारे बीच महामहिम डॉक्टर सैयद अहमद जी हैं, यहां के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, मंत्रिमंडल में मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी, श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, श्री सुदर्शन भगत जी, आपके यहाँ के लोकप्रिय नेता श्री अर्जुन मुंडा जी और सांसद श्री राम टहल चौधरी जी, उपस्थित सभी महानुभाव और झारखंड के वरिष्ठ नागरिक भाइयों और बहनों, आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में, जिसमें सम्माननीय प्रधानमंत्री जी 6 उपक्रमों का उद्घाटन अथवा शिलान्यास एक साथ करने आपके बीच उपस्थित हुए हैं। ये हम सबके लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि झारखंड के प्रति सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष लगाव है और उनकी तीव्र इच्छा थी कि वो आपके बीच आए, आपसे मिले और आपके साथ अपने आगे आने वाले कार्यक्रमों के बारे में कुछ बातें रखें। आज जो कार्यक्रम का उद्घाटन होने जा रहा है, उसमें एक महत्वपूर्ण जो प्रोजेक्ट यहाँ पे जिसका आज देश के प्रति लोकार्पण होने जा रहा है, वो है रायचूर से
जाने वाली धर्म जयगढ़ होती हुई सिपट की तरफ ट्रांसमिशन लाइन, ये झारखंड और छत्तीसगढ़ को जोड़ती है और साथ ही साथ झारखंड में बिजली कैसे ज्यादा मात्रा में आ सके, पर्याप्त मात्रा में हर घर को बिजली पहुंच सके, ऐसी ये योजना आज देश के प्रति लोकार्पण जनता को समर्पित करने सम्माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं। इससे जो एक बहुत बड़ी किल्लत है, जो कमी है ऊर्जा की झारखंड में, जबकि झारखंड में कोयले की इतनी खदान है, कोयला पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है कि झारखंड में तो एक मिनट का बिजली की कटौती नहीं होनी चाहिए, उसके बावजूद इतने वर्षों तक यहाँ पे उत्पादन का क्षेत्र कम रहा, बिजली का उत्पादन कम रहने से जो बिजली की कमी महसूस होती है उसके लिए ये ट्रांसमिशन लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। 2100 मेगावाट इस ट्रांसमिशन लाइन से जाएगी, जिसमें झारखंड में भी काफ़ी पर्याप्त मात्रा में बिजली छत्तीसगढ़ से ट्रांसफर हो सकेगी। साथ ही साथ आज जो नॉर्थ करमपुरा का जो प्रोजेक्ट है एनटीपीसी का, 2000 मेगावाट की बिजली झारखंड में निर्माण हो, उत्पादन हो, ये प्रोजेक्ट 15 वर्ष पूर्व सम्माननीय प्रधानमंत्री उस वक्त के माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शिलान्यास किया और उसके लिए पूर्व सरकार ने कोल लिंकेज भी दे दी थी 2003 तक। दुर्भाग्य से वो कोल लिंकेज को कैंसिल कर दिया गया और 10 वर्ष की अवधि का डिले इस प्रोजेक्ट में बिना बात कोल और ऊर्जा मंत्रालय, कोयला और ऊर्जा मंत्रालय के आपसी झगड़े के वजह से 10 वर्ष झारखंड को जो सुविधा मिलनी चाहिए थी वो डिले हो गई, उसमें देरी हो गई। मुझे लगता है इसी प्रमाण को देखते हुए सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को बात रखी थी कि अब की जो सरकार आई है ये डिपार्टमेंट्स में बटी हुई नहीं है, ये एक सरकार है, एकजुट काम करती है और हर एक मंत्रालय एक दूसरे के सौभाग्य से काम करता है। इसीलिए शायद कोयला और ऊर्जा को भी एक साथ किया, जिससे दोनों मंत्रालय मिलके देश की प्रगति, ऊर्जा के क्षेत्र की प्रगति और आपके राज्य की प्रगति कर पाएगी। ये प्रोजेक्ट अब इसके सभी कठिनाइयां खत्म करके अभी उसका काम BHEL को दिया गया है और ये प्रोजेक्ट समय के पहले खत्म करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और झारखंड को इससे उपलब्ध होने वाली बिजली से बहुत राहत मिलेगी। जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हर घर को 24 घंटे सातों दिन बिजली मिले, औद्योगिकरण तेजी से हो और किसानों को पर्याप्त मात्रा में बिजली मिले, इस सपना को पूरा करने के लिए इस योजना का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहेगा। इसके अलावा बजट में दो नई परियोजनाओं का घोषणा की गई है, एक तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और एक इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम। इन दोनों योजनाओं से बिजली का घर घर पहुंचने का सुविधा और किसानों के लिए अलग ही फीडर लाइन, जिससे किसानों को बिजली अलग मिले, उनकी बिजली में कटौती नहीं हो, ये एक मॉडल गुजरात में बहुत खूबसूरती से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में संपन्न हुआ था, उसका सक्सेस स्टोरी विश्व भर में लोग चर्चा करते हैं और अब झारखंड में भी वैसी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन अलग से बने, उसको इस योजना के अंतर्गत लाके हम जल्द से जल्द उसका काम शुरू करेंगे। साथ ही साथ कुछ विशेष योजनाएं झारखंड के प्रति प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हमने तय किया है। कल मैं रांची आया था, यहाँ के अधिकारियों से, यहाँ के मुख्यमंत्री जी के साथ बड़े विस्तार से बैठक करके काफ़ी चीज़ें हमने सुलझाई हैं जो कई वर्षों से आधे अधूरी पड़ी थी। एक तो यहाँ पे झारखंड में कई शिक्षा केंद्र, कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे टॉयलेट, शौचालय की सुविधा नहीं है। हमारी जो कोयले की कंपनियाँ हैं उन्होंने ये ठान लिया है कि 15 अगस्त 2015 के पहले हम झारखंड में हर एक स्कूल में शौच की सुविधा, पानी की सुविधा लाएंगे और इसके लिए तुरंत कार्यक्रम शुरू होगा और कम से कम 100 करोड़ रुपए झारखंड में खर्चा किया जाएगा CSR के अंतर्गत और झारखंड का एक भी विद्यार्थी
बिना शौच के नहीं रहेगा अगले 15 अगस्त के पहले। इसी प्रकार से पर्यावरण को ध्यान रखते हुए कुछ और प्रकल्प झारखंड में वॉशरी लगे, झारखंड में सौर्य ऊर्जा की जल्द से जल्द उत्पादन का इन्वेस्टमेंट हो, और झरिया की जो आग है इसको नियंत्रण करने के लिए हमारा मंत्रालय प्रतिबद्ध है और उसके लिए हम तेजी से काम कर रहे हैं। मुझे लगता है आगे आने वाले दिनों में मेरे मित्र श्री रविशंकर प्रसाद जी का जो आज कार्यक्रम आज यहाँ पे उद्घाटन होगा, जिसमें आईटी क्षेत्र से कैसे झारखंड की प्रगति और तेजी से हो सके, और धर्मेंद्र प्रधान जी का जो विभाग ने आज पेट्रोलियम का बहुत बड़ा उपक्रम के माध्यम से एक बहुत बड़ा सेंटर यहाँ खोला है, उसके लिए मैं दोनों मंत्रियों को उनके विभागों को बधाई देता हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता हमारे कार्यक्रमों को, हमारे काम को सराहना देगी, सहयोग करेगी, और सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हम सब झारखंड की जनता की सेवा में और अच्छा काम कर सकेंगे। ऐसी आपसे मैं आशीर्वाद, आपसे सहयोग मांगता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष गोयल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज प्रगति की जान है सूचना संचार। हर गांव और हर शहर में सूचना प्रौद्योगिकी को सुलभ बनाने का बीड़ा उठाया है कानून और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री माननीय रविशंकर प्रसाद जी ने। हम उनसे निवेदन करेंगे कि वो हमें संबोधित करें। माननीय रविशंकर प्रसाद जी। सम्माननीय प्रधानमंत्री जी, महामहिम राज्यपाल जी, श्रद्धेय झारखंड के मुख्यमंत्री जी, मंत्रिपरिषद में हमारे मित्र पीयूष गोयल जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, यहाँ के लोकप्रिय नेता पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अर्जुन मुंडा जी, वरिष्ठ सांसद रामटहल चौधरी जी, भाई और बहनों, ये सौभाग्य का दिन है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पहली बार झारखंड रांची आए हैं और भगवान ने इतनी बारिश के साथ उनका स्वागत किया है, अभिनंदन किया है। इतने बड़े अभूतपूर्व विजय में उन्होंने अपने सामने दो संकल्प रखे थे, एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबका साथ सबका विकास। और जब सबका साथ और सबके विकास की बात होती है तो प्रधानमंत्री जी का हम लोग का निर्देश है कि पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत की विशेष चिंता होनी चाहिए उनको आगे बढ़ाने के लिए। पूर्वी भारत में बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, पूर्वोत्तर में आसाम और बाकी प्रदेश है। और आज जो हम झारखंड में आप सबों के सामने है, प्रधानमंत्री जी की उसी कल्पना के अनुरूप है। प्रधानमंत्री जी देश को जोड़ना चाहते हैं सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से। रूरल इंडिया और डिजिटल इंडिया के बीच की दूरी को पाटना चाहते हैं। देश के आईटी कम्युनिकेशन मंत्री के रूप में प्रधानमंत्री जी ने हम लोग को एक निर्देश दिया है, आईटी प्लस आईटी इज इक्वल टू आईटी। क्या मतलब है इसका? इंडिया टुडे प्लस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज इक्वल टू इंडिया टुमारो। ये हमें काम करना है। और इसीलिए उन्होंने कल एक डिजिटल क्रांति की बात की है, 15 अगस्त को कहा था, उसकी विस्तार से आप चर्चा सुनेंगे। आज जो झारखंड के लिए हम लोगों ने कुछ विशेष कार्यक्रम आईटी विभाग की ओर से सोचा है उसकी जानकारी आपको देना चाहता हूं। आज प्रधानमंत्री की उपस्थिति में नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन का उद्घाटन हो रहा है, डिजिटल साक्षरता मिशन अभियान यानी दिशा। मतलब क्या है? पहले योजना थी कि चुने हुए ब्लॉक में हम 10 लाख लोगों को साक्षर करेंगे कंप्यूटर डिजिटल लिटरेसी में, अब वो संख्या 1 करोड़ बढ़ाकर की गई है। जो हमारे कॉमन सर्विस सेंटर है लगभग 4000 झारखंड में है, वो इसको ट्रेन अप करेंगे। एससी एसटी और बीपीएल के लोग हैं उनको कोई भी खर्चा नहीं लगेगा, और जो बाकी है उनको मार्जिनल 125 से 200 रुपए लगेगा।
20 घंटे की ट्रेनिंग होगी, 40 घंटे की ट्रेनिंग होगी। और हमारी कोशिश है प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में कि पूरे देश में हम देश की आवाम को डिजिटली लिटरेट करें, और ये जो पढ़ाई होगी, साक्षरता होगी, ये स्थानीय भाषाओं में भी होगी। ये आपको हम कहना चाहते हैं, पूरे देश में आज इस कार्यक्रम का अभियान हो रहा है, जिसकी शुरुआत झारखंड से हो रही है। आपको मालूम है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क चलता है, देश में इसकी संख्या 53 है। 60% कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इन्हीं सॉफ्टवेयर पार्क से हम उसको आगे बढ़ाते हैं, उसकी ट्रेडिंग होती है। देश में कंप्यूटर उद्योग बहुत आगे बढ़ा है। हम चाहते हैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में उनकी टेस्टिंग की और व्यवस्था की जाए, ताकि लोगों को परेशानी नहीं हो। इसीलिए रांची में जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क चल रहा है, 22,000 स्क्वायर फीट का एक नया इंक्यूबेशन क्षेत्र वहां हम स्थापित करने जा रहे हैं। और हमारी कोशिश होगी कि ये जो नया प्रयोग हम कर रहे हैं, जो 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा, तो बड़ी संख्या में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी से लगे हुए लोगों को अपने पूरे प्रोडक्ट को वहां टेस्ट करने की अत्याधुनिक सुविधा मिलेगी और कई लोगों को नौकरी मिल पाएगी। ये एक महत्वपूर्ण आज हम यहां पर प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में उसको आरंभ कर रहे हैं। दूसरा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको नाइलेट कहते हैं, उसके एक नए भवन का आज प्रधानमंत्री जी शिलान्यास कर रहे हैं। ये देश भर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग है, जिसमें हम लोगों को ओ लेवल, ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल की आईटी ट्रेनिंग देते हैं, और साथ में नए प्रकार से क्या करना है, जो नए नए प्रयोग हो रहे हैं आईटी के क्षेत्र में, उसकी ट्रेनिंग हम उनको देना चाहते हैं। हम आज ये घोषणा करना चाहते हैं, हम सरकार का अभिनंदन भी करेंगे, उन्होंने जमीन दिया है इसके लिए, कि 67 करोड़ रुपये की ये योजना, एक नया पूरी बिल्डिंग हम 1 साल के तैयार करके झारखंड के लोगों को देंगे, ये हम घोषणा करना चाहते हैं। और हमारी ये योजना है कि लगभग 40,000 लोगों को हम 5 साल में ट्रेन करेंगे इस टॉयलेट के माध्यम से। अभी एक टेम्पररी एकोमोडेशन रियाडा भवन में शुरू किया गया है, और 1 साल में हमारा ये भवन बनकर तैयार हो जाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात जो अंतिम मुझे घोषणा करनी है, कि प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में हम इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बहुत प्रमोट कर रहे हैं। देखा होगा 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से उसकी घोषणा की थी। देश भर में अभी तक लगभग 6 इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर की स्वीकृति दिया जा चुकी है, जब से सरकार आई है, 1-2 पहले भी आई थी। आज हम ये घोषणा कर रहे हैं कि जमशेदपुर में एक नया इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर आदित्यपुर के पास खोला जाएगा। जमीन की व्यवस्था यहाँ की सरकार ने की है। हम चाहते हैं कि इस इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर में देश भर के लोग आए, मोबाइल फोन बनाए, सॉफ्टवेयर बनाए, लोगों को नौकरी दें और झारखंड का विकास हो। ये आज हम भारत सरकार की ओर से इसकी घोषणा कर रहे हैं, और पूरा सहयोग दिया जाएगा सॉफ्टवेयर पार्क में। मुझे एक अंतिम बात और कहनी है, भारत सरकार ने घोषणा की है कि जमशेदपुर में, धनबाद में, देवघर में और बोकारो में भी सॉफ्टवेयर पार्क टेक्नोलॉजी का खोला जाएगा। सरकार ने जमीन की बात की है। हम चाहते हैं इन सारे इलाकों में कंप्यूटर से जुड़े हुए लोग आए, वहां व्यापार करें, अपने उत्पादन को टेस्ट कराएं, और अधिक से अधिक यहां के लोगों को नौकरी मिले, ये हमारी कोशिश है। मित्रों, प्रधानमंत्री जी का यही एक संदेश है इस नई सरकार का, इस देश में सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति ऐसी हो कि गांव से लेकर दिल्ली तक हर कोने को हम जोड़ें। और उस कोने को जोड़ने के क्रम में आज झारखंड में इतनी महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई हैं। मुझे लगता है झारखंड ने बदलाव के कई संकेत दिए हैं, और आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से झारखंड के नौजवान एक नए बदलाव का आगाज करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद रविशंकर प्रसाद जी। और अब हम निवेदन करेंगे झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी से कि हमें संबोधित करें।
आज यहां झारखंड के इस पावन धरती पर माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार के मंत्री पीयूष गोयल जी, रविशंकर जी, धर्मेंद्र प्रधान जी और सुदर्शन भगत जी, उपस्थित बड़े भाई आदरणीय अर्जुन मुंडा जी एवं उपस्थित भारत सरकार के सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित यहाँ पत्रकार मित्रों, भाइयों एवं बहनों, सबको मेरी तरफ से सर्वप्रथम जोहार है। प्रधानमंत्री जी, सबसे पहले तो मैं राज्य के 3.25 करोड़ जनता की ओर से आपको प्रधानमंत्री बनने के लिए ढेर सारी बधाई देता हूँ। और विशेषकर प्रधानमंत्री के बनने के बाद ही महज 3 महीने के अंदर झारखंड में आने के लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। इससे हमारी केंद्र सरकार के प्रति भरोसा बढ़ा है। प्रधानमंत्री जी, क्योंकि समय अभाव है, अपनी बातों को संक्षिप्त में रखने का प्रयास करूंगा और मैं समझता हूं मित्रों, आज हम लोगों के बीच में आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं और आज मैं इस मंच में इस राज्य के मुख्यमंत्री की हैसियत से आज देश के प्रधानमंत्री जी के साथ उपस्थित हूं। मैं ये समझता हूं हमें आज इस मंच की गंभीरता को समझने और जानने की आवश्यकता है। कई एक सरकारें आती हैं और जाती हैं और हम इन्हीं के बीच में राज्य के समग्र विकास की परिकल्पना करते हैं और उसके अनुरूप जनता के प्रति अपना दायित्व का निर्वाह करते हैं। आज निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी, मैं समझता हूँ भारतवर्ष कई एक जाति धर्म वाला देश है और मैं समझता हूँ झारखंड जैसे पिछड़े राज्य में, जहाँ आपका आगमन हुआ है और पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में भी अगर गरीबी कहीं दिखती है तो दलितों के बीच में, आदिवासियों के बीच में और अल्पसंख्यकों के बीच में, और ये मैं समझता हूँ बाकी जगह पे कहीं ना कहीं लक्ष्मी तो वास करती ही हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे इस गरीब बहादुरों को हम दरिद्र नारायण कहते हैं, ये सब सही है कि गलत है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं समझता हूं कि संस्कृति और परंपरा में हमारे प्रधानमंत्री जी की गहरी आस्था है, तो ग्रंथों और वेदों में इन बहादुरों को इन्हीं नाम से प्रस्तुत भी किया गया है। मैं समझता हूं कि आप सामाजिक समरसता और सांप्रदायिक सद्भाव के साथ साथ
इन गरीब लोगों के लिए दो शाम की रोटी की भी व्यवस्था करें और इसमें आप सफल हो, ये हमारी शुभकामना है। हमारी इच्छा है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि आप राज्य के खनन वाले क्षेत्रों का दर्शन, हवाई दर्शन करें। आपकी संवेदनशीलता की वजह से मैं आश्वस्त हूं कि आप ये खंडर होते पर्वतों को देखेंगे जब, तो आपके निश्चित रूप से आंख में आंसू आएंगे। आज हमारे यहाँ के गरीब जनता लाल पानी पीने के लिए मजबूर है। आज हमारी यहाँ की बहनें बीमार बच्चों को जन्म देती है। इस वजह से मैं प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि केंद्र सरकार को खनिज नीतियों की समीक्षा करनी चाहिए और ये बात तय होनी चाहिए कि राज्य के आदिवासियों का विकास खनिज विकास के रास्ते से होगा या पर्यटन के रास्ते से होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, अगर झारखंड में पर्यटन आधारित योजनाओं पर केंद्र सरकार सहयोग करे तो मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूँ कि इस राज्य की नक्सलवाद बिना गोलियां चलाए समाप्त की जा सकती है और झारखंड के इस खूबसूरत वादियों में गोलियों की आवाज के जगह यहां पर सैलानियों के ठहाके गूंजेंगे और बच्चों की किलकारियां सुनाई देंगी। अध्यक्ष महोदय, पूरा देश में लोग पहाड़ पर्वत और झारखंड जैसे वादियों में घूमने के लिए जाते हैं। मेरा ये प्रयास होगा, आपसे निवेदन है कि आप इस पर, मैं समझता हूं कि सकारात्मक सहयोग करने की मैं उम्मीद करता हूं। अभी कल ही हमारे राज्य में पीयूष गोयल जी आए और इन्होंने कल सरकार के साथ और हमारे साथ कई एक समीक्षाएं की और आज अखबारों के माध्यम से पता चला कि कैबिनेट के माध्यम से आयरन और खनिज संपदा में 5% की बढ़ोतरी की गई है। अध्यक्ष प्रधानमंत्री महोदय, वैसे भी हमको आयरन और में बहुत कम रॉयल्टी प्राप्त होती है, ये महत एक ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है। मैं समझता हूं कि अगर कोयले में भी अगर आपकी बढ़ोतरी होती तो शायद राज्य की आमदनी में और बढ़ोतरी होती। अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, आज निश्चित रूप से देश की अर्थव्यवस्था और राज्य की अर्थव्यवस्था पर आप काफ़ी चिंतित हैं, हम भी चिंतित हैं। आज हम 8% से 10% का अपना विकास दर हासिल करने के लिए निरंतर संघर्षरत हैं। वित्त मंत्री भी इसमें काफ़ी मंथन कर रहे हैं, पदाधिकारियों का भी मंथन निरंतर चल रहा है और प्रधानमंत्री महोदय, आज इस 10% को हासिल करने के लिए इस तरीके से हम संघर्ष कर रहे हैं मानो भरी गर्मी में जैसे कुत्ता जीभ निकाल करके हांफता। और यही इसी देश में, इसी राज्य में पूंजीपतियों का धन 100% से अधिक बढ़ रहा है। निश्चित रूप से अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, व्यापार फ्रेंडली होने के प्रति मेरा कोई आपत्ति नहीं है, ये होनी चाहिए, परंतु देश के 70 करोड़ गरीबों के अरमानों का, देश के 70 करोड़ गरीबों का अरमान इन धन पशुओं का निवाला न बन जाए, इसका भी हमें ध्यान रखना होगा। इसके प्रति मैं आदरणीय प्रधानमंत्री से इस विषय पर सतर्क रहने की अपील करूंगा। अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, आज आपके इस मंच में मुझे पहली बार मौका मिला है बोलने का। निश्चित रूप से आज ये हम लोगों के लिए और इस राज्य के लिए भी गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री जी इतनी जल्दी राज्य में पधारे हैं। प्रधानमंत्री जी, आज़ादी के 67 साल बाद भी लाल किले से जो आपने प्राथमिकता गिनाई है, हमने आपकी भाषण को बहुत गंभीरता से देखा और उसमें जो आपकी प्राथमिकता थी कि इस
हर एक घर में शौचालय हो और बच्चों में संस्कार की बात आपने प्राथमिकता के साथ गिनाई। प्रधानमंत्री जी, मैं ये कहना चाहूँगा, ये कोई खुशी की बात नहीं है, ये आज की मौजूद चुनौतियों की गंभीरता को दर्शाता है कि आज हम कहाँ आ गए। निश्चित रूप से ये गंभीरता हमारे लिए चुनौती है और इसको हम सबको चिंतन करने की आवश्यकता है। आप देश को दुनिया के नए उच्च स्थान पर पहुंचाने में निरंतर प्रयासरत हैं। मैं समझता हूं कि हम आप इसमें भी सफल हो, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। प्रधानमंत्री जी, मैं एक छोटी सी आपके लगातार इस राजनीतिक ये में हमने आपको देखा कि आप कितने संघर्ष के साथ आज इस पद पर पहुंचे। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप में और हम में थोड़ी सी एक समानताएं मैं देखता हूं और वो समानताएं ये है कि आप चाय की दुकान से सफर करके आप प्रधानमंत्री तक की कुर्सी पर पहुंचे तो और वहीं हमारी माँ ने भी अमीरों के घर पर बर्तन माज करके मुझे इस स्थान तक पहुंचाने का काम किया है, लायक बनाया है। आज आपके कंधे पर और हमारे कंधे पर इन गरीबों के अरमानों का बोझ है। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि आज हमको इन गरीबों के प्रति अपनी संवेदनाएं दिखानी होगी और निश्चित रूप से अब इन गरीबों को झूठे सपने दिखाना बंद करना होगा, इनको अब राजनीतिक चश्मे से देखना बंद करना होगा, इनको मानवता की दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से मैं ये समझता हूँ कि अगर आज ये गरीब के सपने टूटे तो ये देश बिखर जाएगा और यही उम्मीद, यही गरीबों की उम्मीद हम राजनीतिक दलों की ताकत है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री महोदय, मैं आपसे ये निवेदन करूँगा कि आप व्यापार को बढ़ावा दें, मुख्य बाजार खोलें, लेकिन इसमें ऐसे ठोस नीति बनाई जाए जिसमें हमारे गरीब गुरुआ मजदूरों का हक अधिकार ना मारा जाए। आज 10 रुपये वाला प्याज 80 रुपया में ना बिके, आज 10 रुपया वाला आलू 90 रुपये से ठोस नीति बनाने की आवश्यकता है। ऐसे नियामकों का गठन होना चाहिए जहां पर इन जमाखोरियों के प्रति हम लोग लगाम लगा सकें। निश्चित रूप से मैं इसमें कहीं कोई गलत नहीं समझता कि विकास हेतु ऐसे नीतियाँ बननी चाहिए, लेकिन इसके प्रति हमें गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आज जिस कार्यक्रम में यहाँ हम लोग एक मंच में उपस्थित हुए हैं, निश्चित रूप से ये काफ़ी महत्वाकांक्षी उपलब्धि है। आज पावर ग्रिड और जसीडी ऑयल टर्मिनल और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क वगैरह के शिलान्यास उद्घाटन के कार्यक्रम हैं। आज निश्चित रूप से 2009-2012 की ये योजना पूर्व गठित सरकारों ने प्रारंभ की थी। आज सौभाग्य की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन कर रहे हैं और इसके बाद मैं यही समझता हूँ कि आप भी प्राथमिकता के आधार पर पूर्व के सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने में सहयोग दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, हम लोगों के अलग अलग रास्ते हो सकते हैं लेकिन मंजिल एक हो सकती है, अलग अलग नीतियां हो सकती हैं लेकिन लक्ष्य हमारा एक हो सकता है। निश्चित रूप से हम अपने तरीके से काम करें और हम जन कल्याण को प्राथमिकता के साथ देखें, शहर और गाँव को एक समानता की आँखों के साथ देखें, तभी राज्य का समग्र विकास किया जा सकता है। और यही है, हम ये समझते हैं इस राज्य में समृद्ध लोग और मजबूत भारत, तभी ये राज्य समृद्ध हो सकता है और मजबूती के साथ आगे बढ़ सकता है। अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, मैं ये समझता हूँ कि आप इस राज्य के लिए जिस सोच के साथ आए हैं हम आपका स्वागत कर रहे हैं। निश्चित रूप से आज यहाँ पर उपस्थित आपके इस कार्यक्रम में झारखंड की जनता और इस राज्य के 3.5 करोड़ जनता के साथ मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। आपसे बस थोड़ी सी निवेदन है कि हम लोगों ने पूर्व में भी आपसे समय मांगा इस राज्य के प्रति,
मैंने मिलने का भी आपको रिक्वेस्ट किया था, लेकिन मुझे समय नहीं मिला। मैं समझता हूँ गरीब राज और पिछड़े राज्यों के प्रति आपकी संवेदनाएं गंभीर होनी चाहिए। आने वाला समय में इस राज्य की कई एक बातें मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ, चाहे वो गांव की बात हो, चाहे शहर की बात हो, चाहे नक्सलवाद की समस्या हो, इन सभी विषयों पर मैं आपके साथ चिंतन करना चाहता हूँ, ताकि इस राज्य को समग्र विकास के रास्ते पर तेजी से लाया जा सके। इसके लिए मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में आप भी हमें सहयोग करें, क्योंकि आप जिस फेडरल सिस्टम के ये हैं अगुवाई करने वाले हैं, जिसको आप भी समझते हैं कि इस देश का, इस राज्य का जो फेडरल सिस्टम है, इसके साथ ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो निश्चित रूप से हम लोगों को इस सिस्टम को समझते हुए एक दूसरे का सहयोग के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी ओर से जय हिंद, जय झारखंड का बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सोरेन जी। और अब हम निवेदन करेंगे हमारे मुख्य अतिथि लोकप्रिय जननायक और देश के प्रधानमंत्री जी से कि परियोजनाओं की शिला पट्टिकाओं का अनावरण करें। प्रधानमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। और अब हम आपको दिखाएंगे इन्हीं परियोजनाओं पर आधारित ये वीडियो फिल्म। पूरे देश को ऊर्जा के एक सूत्र में जोड़कर एक शक्तिशाली एकीकृत राष्ट्रीय ग्रिड बनाने के इस महाअभियान को सफल करता आया है पावर ग्रिड। राष्ट्रीय ग्रिड के लिए एक राज्य हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है और वो है झारखंड। ये राज्य अपनी रंगारंग संस्कृति, लोक परंपरा और सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता है। पावर ग्रिड ने यहाँ 765 केवी की रांची धरम जयगढ़ सिपत अंतर क्षेत्रीय ट्रांसमिशन लाइन को जोड़ने का काम पूरा किया है। पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों को जोड़ने की दिशा में ये अंतर क्षेत्रीय लिंक अपनी तरह की पहली लाइन है। इस परियोजना जिसके तहत रांची और धरम जयगढ़ में नए सब स्टेशन की स्थापना की गई है, इसकी कुल लंबाई है 392 किलोमीटर और लागत लगभग 1600 करोड़ रुपए है। दरअसल रांची देश के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में उत्पादित बिजली का पूलिंग केंद्र है। ये उच्च क्षमता ट्रांसमिशन लाइन पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्रों के बीच बड़े स्तर पर ऊर्जा के आदान प्रदान को संभव बनाएगा। ये ट्रांसमिशन लाइन राष्ट्रीय ग्रिड का एक हिस्सा है और इसके जरिए झारखंड अब राष्ट्रीय ग्रिड से सफलता पूर्वक जुड़ गया है। अब झारखंड जरूरत पड़ने पर बड़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त कर सकेगा और अतिरिक्त बिजली होने की स्थिति में वो इसे बाहर भी भेज सकेगा, जिससे झारखंड और देश दोनों ही समृद्ध बनेंगे। पावर ग्रिड। झारखंड राज्य में एनटीपीसी की प्रथम विद्युत परियोजना के कार्य का शुभ आरंभ आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। इस पावर प्रोजेक्ट की क्षमता 1980 मेगावाट है, जिसकी कुल लागत 14,366 करोड़ रुपए है।
जिसमें 660 मेगावाट की 3 अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल यूनिटों का निर्माण किया जा रहा है, जो उच्च पर्यावरण मानक पर विद्युत का उत्पादन करेगी। इस परियोजना में पहली बार एयर कूल कंडेंसर का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे पानी की खपत बहुत कम हो जाएगी। एनटीपीसी भारत की एक महारत्न कंपनी है, जिसकी वर्तमान उत्पादन क्षमता 43,128 मेगावाट है। इस प्रोजेक्ट की आधारशिला तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के कर कमलों द्वारा संपन्न हुई थी, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से इस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हो सका। इस परियोजना का निर्माण वित्त वर्ष 2017-2018 में पूरा होगा, जिसमें झारखंड राज्य को 230 मेगावाट विद्युत की प्राप्ति होगी। परियोजना पर विभिन्न निर्माण इकाइयों ने निर्माण सामग्री पहुंचाना आरंभ कर दिया है। इसके अतिरिक्त झारखंड में एनटीपीसी की 3 कोयला खदानें पकरी बरवाडी, केरनधारी और चट्टी बरियातू का भी विकास हो रहा है। इस परियोजना के निर्माण से आसपास के क्षेत्र में आधारभूत सुविधाएं जैसे स्कूल, चिकित्सालय, सड़क, सामुदायिक विकास की गतिविधियों के साथ साथ कौशल विकास के विभिन्न नए आयाम भी जुड़ेंगे। झारखंड राज्य के देवघर जिले के जसीडीह में स्थित भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी इंडियन ऑयल का पेट्रोलियम बल्क स्टोरेज टर्मिनल हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा राष्ट्र के नाम समर्पित किया जा रहा है। राज्य की बढ़ती हुई पेट्रोलियम उत्पादों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इंडियन ऑयल ने देवघर के पास जसीडीह में एक नया टर्मिनल बनाया है। 26 एकड़ के क्षेत्र में 109 करोड़ रुपयों की लागत से बना यह टर्मिनल अत्याधुनिक तकनीकों से सुसज्जित है। इसे पर्यावरण और सभी सुरक्षा मानकों के अनुकूल बनाया गया है। इस टर्मिनल से झारखंड राज्य के 12 जिलों में पेट्रोल, डीजल एवं मिट्टी के तेल की जरूरतों की पूर्ति की जाएगी। इस टर्मिनल में अत्याधुनिक सुविधाएं हैं। 12 बे टैंक लॉरी भरने के लिए बॉटम लोडिंग की सुविधा, पर्यावरण के अनुकूल वेपर रिकवरी प्रणाली की तकनीक, केंद्रीकृत प्रणाली द्वारा टर्मिनल का प्रचालन, सुरक्षा मानकों के अनुसार टर्मिनल में 11,000 किलोलीटर पानी का भंडारण, स्वचालित अग्निशमन प्रणाली, कंट्रोल रूम और सीसीटीवी सिस्टम द्वारा टर्मिनल की हमेशा निगरानी की सुविधा। जसीडीह टर्मिनल क्षेत्र की वर्तमान पेट्रोलियम जरूरतों को पूरा करने के साथ भविष्य की जरूरतों को भी पूरा करने के लिए तैयार है। इंडियन ऑयल के इस टर्मिनल से मुख्य पेट्रोलियम उत्पादों की निर्बाध आपूर्ति इस क्षेत्र के औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण होगी। झारखंड राज्य में इस टर्मिनल की सहायता से इस क्षेत्र की निर्माण इकाइयों व सहायक उद्योगों को भी काफी लाभ होगा। इस प्रकार इस टर्मिनल से क्षेत्र में न केवल विकास होगा, बल्कि ये इस क्षेत्र के लोगों की सामाजिक आर्थिक उन्नति में भी सहायक होगा। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वदेशी अपनाओं के नारे को पूरा करने में सक्षम होगा। के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्वी भारत का विकास अत्यंत आवश्यक है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के इस संकल्प को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध गेल इस क्षेत्र में ऊर्जा की गंगा प्रवाहित करने की दिशा में एक महत्वाकांक्षी परियोजना का सृजन कर रही है। गेल इंडिया लिमिटेड भारत की ही नहीं अपितु एशिया की नंबर एक गैस यूटिलिटी कंपनी है और देश की सबसे युवा महारत्न। अब माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में गेल ने पूर्वी भारत को ऊर्जा महामार्ग के माध्यम से राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जोड़ने का बीड़ा उठाया है।
लगभग 10,000 करोड़ के निवेश से बनाई जाने वाली 2050 किलोमीटर लंबी जगदीशपुर हल्दिया पाइपलाइन पूर्वी भारत में ऊर्जा की ऐसी गंगा प्रवाह करेगी जो इस क्षेत्र के मुख्य शहर वाराणसी, पटना, रांची, जमशेदपुर, दुर्गापुर, कोलकाता और अन्य शहरों को स्वच्छ, प्रदूषण मुक्त और हरा भरा रखने में भी विपुल सहयोग करेगी। इस परियोजना से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल को ऐसा वरदान मिलेगा जिससे विद्युत, उर्वरक, स्टील तथा अन्य उद्योगों की ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति होगी। इस पाइपलाइन परियोजना से इस पूरे क्षेत्र में कृषि और आर्थिक विकास को एक नई रफ्तार मिलेगी तथा युवाओं के साथ साथ सभी को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। गेल 21वीं सदी के इस पर्यावरण अनुकूल संसाधन को पूर्वी भारत के द्वार पर पहुंचाकर माननीय प्रधानमंत्री जी के मेक इन इंडिया के सपने को साकार करने हेतु ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने के लिए कटिबद्ध है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया रांची की नई इंक्यूबेशन सुविधा के लिए आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा रखा जा रहा है। इस शुभ अवसर पर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और सभी गणमान्य व्यक्तियों और आमंत्रित अतिथियों का स्वागत करता है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया की स्थापना वर्ष 1991 में भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक विभाग के अंतर्गत आईटी के क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देने के लक्ष्य से की गई थी। अपने स्थापना काल से ही एसटीपीआई भारत सरकार की नीतियों को लागू करते हुए भारत के आईटी उद्योग एवं निर्यात के विकास का कारक और उत्प्रेरक बना है। भारत में आईटी के क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एसटीपी और ईएचटीपी स्कीम बहुत ही सफल रही है। एसटीपीआई इकाइयों द्वारा आईटी निर्यात जो वर्ष 1992-93 में मात्र 52 करोड़ था वह वर्ष 2013-14 में बढ़कर 2,67,000 करोड़ हो गया है जो देश के कुल आईटी निर्यात का 60% से अधिक है। आईटी के क्षेत्र में निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि एसटीपीआई की कार्य संस्कृति, प्रासंगिकता और लोकप्रियता का प्रमाण है। एसटीपीआई ने प्रयत्न पूर्वक देश के छोटे शहरों को भी इस क्षेत्र में आगे लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एसटीपीआई झारखंड राज्य में आईटी उद्योगों के विकास को बढ़ावा देने के लिए झारखंड सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है। वर्तमान में एसटीपीआई रांची के अंतर्राष्ट्रीय इंक्यूबेशन सेवा केंद्र में दी जाने वाली सुविधाओं का उद्यमियों द्वारा पूर्ण उपयोग हो रहा है और एसटीपीआई रांची से अब तक 40 करोड़ रुपए से अधिक का निर्यात हो चुका है। एसटीपीआई अपने रांची केंद्र में 14 करोड़ रुपए की लागत से 22,000 वर्ग फीट में एक नए इंक्यूबेशन सुविधा का निर्माण कर रहा है। राज्य के जमशेदपुर, धनबाद, देवघर और बोकारो में नए एसटीपीआई केंद्रों की स्थापना के लक्ष्य के साथ एसटीपीआई ने इस क्षेत्र में निर्यात एवं उद्यमिता के क्रांतिकारी विकास के लिए मजबूत कदम बढ़ाया है। हम भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति के लिए हृदय से आभारी हैं। हम एक नए डिजिटल भारत के उनके सपने को साकार करने के लिए कृत संकल्प हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा रांची शहर में एक अत्याधुनिक नाइलिट केंद्र का शिलान्यास किया जा रहा है। इसके साथ ही नाइलिट के इतिहास में एक और सुनहरा अध्याय जुड़ जाएगा। नाइलिट की स्थापना वर्ष 1994 में DOEACC के रूप में हुई थी। वर्ष 2002 में सेंटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया यानी CEDTI एवं रीजनल कंप्यूटर सेंटर RCC के केंद्रों का विलय DOEACC सोसाइटी के साथ किया गया था। नई दिल्ली मुख्यालय सहित पूरे देश में विभिन्न राज्यों के दूर दराज क्षेत्रों में नाइलिट के 30 केंद्र कार्यरत हैं, जिनके माध्यम से नाइलिट ने कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में 20 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया है। पिछले 2 दशकों में नाइलिट ने BCA, BTEC, MCA, MTEC आदि औपचारिक पाठ्यक्रमों के अलावा 80 घंटों से लेकर 3000 घंटों तक के अनौपचारिक पाठ्यक्रमों के जरिए इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण के क्षेत्र में खास महारत हासिल की है। रांची में नाइलिट केंद्र की स्थापना हेतु झारखंड सरकार द्वारा
5 एकड़ भूमि आवंटित की जा रही है, जिस पर लगभग 65 करोड़ की परियोजना राशि भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी। नाइलिट केंद्र का स्थायी परिसर लगभग 2 वर्ष की अवधि में पूरा होगा। स्थायी परिसर के तैयार होने तक केंद्र का संचालन 8000 वर्ग फीट स्थान से होगा, जो झारखंड सरकार द्वारा उपलब्ध करवाए गए रायडा भवन में है। यहाँ नाइलिट द्वारा इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में स्किल डेवलपमेंट एवं कैपेसिटी बिल्डिंग के विभिन्न रोजगार परक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किए जाएंगे। इस नव स्थापित नाइलिट केंद्र द्वारा वर्तमान में प्रतिवर्ष 1000 छात्रों को प्रशिक्षित करने की योजना है, जिसे 5वें वर्ष से 18000 छात्र प्रतिवर्ष करने का लक्ष्य है। नाइलिट स्किल, स्केल एवं स्पीड के सूत्र अनुसार नए आयाम स्थापित करने की दिशा में निरंतर अग्रसर है। संपूर्ण भारत में अपनी व्यापकता को मद्देनजर रखते हुए नाइलिट राष्ट्रीय महत्व के एक संस्थान का दर्जा हासिल करने हेतु प्रयासरत है। हम डिजिटल इंडिया के माध्यम से आईटी के धरातल पर यूनिटी का मंत्र को साकार करना चाहते हैं। राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन NDLM डिजिटल भारत योजना के तहत प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति को डिजिटल साक्षर बनाने में भारत सरकार की एक पहल, एक संयुक्त दृष्टिकोण, जिसका उद्देश्य देश के प्रत्येक राज्य, केंद्र प्रशासित राज्यों के चयनित ब्लॉक में हर उपयुक्त घर में एक व्यक्ति को IT प्रशिक्षण देने का है, जिसके प्रथम चरण में 10 लाख व्यक्तियों को IT प्रशिक्षण दिया जाएगा। NDLM के हिस्से के रूप में सरकार ने डिजिटल प्रशिक्षण देने की योजना बनाई है। NDLM योजना के अंतर्गत उद्योग, गैर सरकारी संस्थाओं, शैक्षणिक संस्थाओं, प्रमाणित एजेंसियों जैसे कई हितधारकों को शामिल करने का इरादा रखता है। डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण PPP मॉडल द्वारा दी जाएगी, जिसमें राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा निर्धारित की गई संस्थाओं द्वारा दिलाई जाएंगी। NDLM ग्रामीण जनता की ओर बढ़ते कदम। रोजमर्रा के जीवन में सामाजिक और अन्य कार्य में डिजिटल तकनीक का उपयोग और इसकी महत्ता को समझना, शिक्षा, स्वास्थ्य, लोक सेवा, कौशल विकास आदि से संबंधित जानकारी का लोगों तक पहुंच, बाहरी दुनिया से जुड़ना और संपर्क करना, ऑनलाइन G2C और B2C सुविधाओं के लाभ को पहुंचाना, अन्य नागरिकों को ज्ञान प्रदान करना, ग्रामीण भारत को ई साक्षर बनाना। आज के डेट में पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। हर घर से एक आदमी कम से कम इंटरनेट ये सब चलाना सीख जाए, ताकि वो उसका फायदा उठा सके। हम निवेदन करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी से कि इस ऐतिहासिक मौके पर अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्गदर्शन करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, मंच पर विराजमान राज्यपाल महोदय श्रीमान डॉक्टर सैयद अहमद जी, मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत सोरेन जी, केंद्र सरकार में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्री रविशंकर प्रसाद, श्री धर्मेंद्र प्रधान, श्री पीयूष गोयल और इसी मिट्टी की संतान श्री सुदर्शन भगत जी, यहां के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी, सांसद श्रीमान राम टहल जी, मंच पर विराजमान सरकार के सभी अधिकारी, झारखंड के सौ भाई बहन मन के जोहार, मोई
गेलक लोकसभा चुनाव के आगे झारखंड आई हो, झारखंड एक सुंदर प्रांत है के और अपन सब मन सुंदर आही। झारखंड एक धनी प्रांत है के मगर बेसी झारखंडी मन गरीब अहेन। मोर सरकार और मनक संगे ही दशा के सुधरिक चाहत हो। झारखंड के प्यारे भाइयों बहनों, कुछ समय पहले चुनाव अभियान के निमित्त बार बार मेरा झारखंड आना हुआ था। और मैंने विकास के विषय में हर बार आपके सामने बातें रखी थी। मैं झारखंड के नागरिकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि आपने विकास के मार्ग को चुना है, आपने हमें भारी समर्थन दिया है। और मैं झारखंड वासियों से विश्वास दिलाने आया हूं कि आपने मुझे जो प्यार दिया है, जो समर्थन दिया है, जो शक्ति दी है, इसके लिए मैं झारखंड का अंतःकरण पूर्वक आभार व्यक्त करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। लेकिन झारखंड के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सिर्फ आभार व्यक्त करके मैं अपना कर्तव्य पूर्ण नहीं मानता हूं। आपने जो प्यार दिया है उसे मैं ब्याज समेत लौटाने आया हूं। और विकास, विकास के माध्यम से मैं ये प्यार आपको ब्याज समेत लौटाने वाला हूं। झारखंड में, हिंदुस्तान के सभी राज्यों में सबसे समृद्ध राज्य बनने की क्षमता पड़ी हुई है। अगर मैं गुजरात के अनुभव से कहूं तो गुजरात से भी अनेक गुना आगे बढ़ने की ताकत ये झारखंड राज्य में है। जिस राज्य के पास इतनी प्राकृतिक संपदा हो, जिस राज्य के पास ऐसे कर्तव्यवान नौजवान हो, जिस राज्य के पास बिरसा मुंडा जैसे महापुरुषों की त्याग और तपस्या की परंपरा हो, वो राज्य पीछे रहने के लिए पैदा हुआ ही नहीं है। 1978 झारखंड राज्य बनाया, इस सपने के साथ बनाया था कि विपुल प्राकृतिक संपदाओं से भरा यह राज्य न सिर्फ झारखंड का भला करेगा लेकिन पूरे हिंदुस्तान का भाग्य बदलने के लिए झारखंड अपनी एक अहम भूमिका निभा सकता है। इस सपनों के साथ, इस आशा के साथ झारखंड का निर्माण हुआ था।
भाइयों बहनों, झारखंड की स्थिति हमें मंजूर नहीं है, हमें इसे बदलना है, मिलजुल करके बदलना है। विकास की अनेकविध योजनाओं को लेकर के झारखंड को प्रगति की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया जा सकता है। आज यहां कुछ योजनाओं का लोकार्पण करने का मुझे सौभाग्य मिला है और कुछ योजनाओं के शिलान्यास का भी सौभाग्य मिला है। मैं हैरान हूं, यहां पर कर्णपुर, ये सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट अटल बिहारी वाजपेयी ने इसका शिलान्यास किया था और उसके बाद वो वहीं का वहीं पड़ा है। आप मुझे बताइए भाइयों, ये आपके साथ अन्याय है कि नहीं है? ये अन्याय जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? मुझे लगता है कि वाजपेयी जी ने जहां काम छोड़ा है उसे आगे बढ़ाना शायद मेरे ही भाग्य में लिखा हुआ है। करीब 15,000 करोड़ रुपए की लागत से ये बिजली का कारखाना बनेगा, न सिर्फ झारखंड का अंधेरा छटेगा, हिंदुस्तान में जहां जहां अंधेरा है उस अंधेरे को हटाने का काम भी ये झारखंड की धरती से होगा। भाइयों बहनों, आज मुझे यहां रांची सिपत ट्रांसमिशन लाइन के लोकार्पण का भी अवसर मिला है। ये ट्रांसमिशन लाइन सिर्फ बिजली को ले जाएगी ऐसा नहीं है, ये ट्रांसमिशन लाइन सिर्फ बिजली को यहां लाएगी ऐसा नहीं है, ये ट्रांसमिशन लाइन पूरब को पश्चिम के साथ जोड़ने वाली लाइन है। ये सिर्फ ऊर्जा को वहन करने वाली नहीं, यहां के जन जन में ऊर्जा पैदा करने वाली एक नई ताकत के रूप में यहां आई है और उसके कारण विकास की एक नई ऊर्जा सारे पूर्वी भारत को प्राप्त हो, इसमें बड़ी अहम भूमिका झारखंड निभाने वाला है। मैं पहले से ही मानता हूं, अगर हम भारत को महान बनाना चाहते हैं, अगर हम भारत को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं तो हमारी भारत माता का कोई भी हिस्सा दुर्बल नहीं होना चाहिए। आज हम देखते हैं भारत के पश्चिमी छोर पर कुछ न कुछ आर्थिक गतिविधियां नजर आती हैं, लेकिन भारत का पूरा पूर्वी छोर मध्य से पूरब की तरफ देखें, वहां के लोग विकास की प्रतीक्षा कर रहे हैं, गरीबी ने उनके सपनों को चूर चूर करके रखा हुआ है। दिल्ली में
आपने जिस सरकार को बिठाया है उस सरकार का सपना है पश्चिम हो या पूरब, उत्तर हो या दक्षिण, भारत का विकास संतुलित होना चाहिए, पूरब को भी उसका फायदा मिलना चाहिए और पूरब में विकास की संभावनाएं बढ़नी चाहिए। ये जो ट्रांसमिशन लाइन है वो भविष्य में झारखंड के विकास में अहम भूमिका निभाने वाली है। यहां जो बिजली पैदा होगी वो जब हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचेगी तो झारखंड की आर्थिक स्थिति में भी उसके कारण बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। कल हमारी कैबिनेट की मीटिंग थी, उस कैबिनेट की मीटिंग में हमने एक महत्वपूर्ण निर्णय किया। मैं नहीं जानता हूं वो खबर झारखंड के अखबारों में छपी है कि नहीं छपी है, लेकिन मैं जहां दिल्ली से निकला वहां तो कोई ज्यादा मुझे नजर नहीं आई, एक आध कोने में एक आध दो लाइन मुझे दिखाई दे रही थी। सामान्य रूप से भारत सरकार से कुछ लेना हो तो मुख्यमंत्रियों को इतने चक्कर काटने पड़ते हैं, इतनी बार जाना पड़ता है, इतनी रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, एमपी को जाना पड़ता है, डेलीगेशन लेके जाना पड़ता है और वहां वो सुनते हैं फिर कहते हैं आपकी बात बहुत अच्छी है हम जरूर देखेंगे, ये दोबारा जाते हैं तो फिर कहते हैं अच्छा वो रह गया फिर देखेंगे, ये देखते ही देखते 10 साल चले गए। भाइयों बहनों, दिल्ली में बैठी हुई सरकार का ये कन्विक्शन है, ये हमारा विश्वास है, अगर भारत को आगे बढ़ाना है तो हमें राज्यों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। हम राज्यों के प्रति उदासीन रह करके, राज्यों की उपेक्षा के करके कभी भी भारत को आगे बढ़ा नहीं सकते हैं और इसलिए दिल्ली में बैठी हुई सरकार सभी राज्यों के विकास में सहायक होना चाहती है, मददगार होना चाहती है, राज्यों की उंगली पकड़ करके साथ चलने का प्रयास करना चाहती है और इसीलिए कल कैबिनेट में हमने एक महत्वपूर्ण फैसला किया खनिज संपदा की रॉयल्टी का और उसके कारण झारखंड को करीब करीब 400 करोड़ रुपयों का फायदा होगा और एक बार नहीं हर वर्ष होगा। और इसके लिए हेमंत सोरेन जी को कभी दिल्ली नहीं आना पड़ा, न कभी मेरे पास आना पड़ा, न कभी मेमोरेंडम देना पड़ा, हम सामने से लेकर के आए हैं। क्यों? यह हमारा विश्वास है विकास को सबने मिलकर के देश को आगे बढ़ाना है, जन जन की ताकत को जोड़ करके हमें आगे बढ़ाना है। भाइयों बहनों, आज एक ऑयल टर्मिनल का भी लोकार्पण हुआ है और इसके कारण इस पूरे क्षेत्र में ऑयल पहुंचाने की सुविधा बढ़ने वाली है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात मुझे कहनी है, आने वाले दिनों में गैस बेस्ड इकोनॉमी का महत्व बढ़ने वाला है। देश में गैस ग्रिड बने, डोमेस्टिक उपयोग के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ऊर्जा के लिए, उद्योग के लिए गैस का सर्वाधिक उपयोग की दिशा में कैसे जाएं,
गैस पहुंचाने के लिए नेटवर्क कैसे तैयार हो, उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। और उसी प्रयास के तहत जगदीशपुर फूलपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन आने वाले दिनों में ये काम भी ये सरकार हाथ में लेने वाली है। और उसके कारण हमारे पूर्वी हिंदुस्तान के गोरखपुर हो, पटना हो, वाराणसी हो, जमशेदपुर हो, दुर्गापुर हो, कोलकाता हो, इन शहरों में पाइप से घर घर गैस पहुंचाने का हमारा मकसद है। अब गैस सिलेंडर के लिए हमारी माताओं बहनों को इंतजार न करना पड़े, जैसे नल में पानी आता है वैसे नल में गैस भी आने लग जाए, इस काम को हम करना चाहते हैं। भाइयों बहनों, यहां के नौजवानों के पास टैलेंट है, यहां पर औद्योगिक विकास की भारी संभावना है। अगर न संभावना होती तो कभी किसी ने जमशेदपुर न बनाया होता। यहां ताकत पड़ी है, लेकिन बीच के कालखंड में सब अटक गया। यहां पर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के निर्माण के लिए बहुत संभावनाएं हैं। भारत सरकार यहां के नौजवानों को रोजगार मिले, इलेक्ट्रिक गुड मैन्युफैक्चरिंग का यहां काम हो, उसको प्राथमिकता देना चाहती है। और उसके कारण आज छोटे छोटे इलेक्ट्रिक गुड भी विदेशों से लाने पड़ते हैं, वो लाना बंद होगा और भारत की आवश्यकता की पूर्ति में झारखंड का भी कोई न कोई योगदान हो, उस दिशा में हम आगे जाने वाले हैं। झारखंड के नौजवानों को अच्छी शिक्षा मिले, और इसलिए रांची में बहुत ही जल्द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IIIT, इसका काम भी बहुत ही जल्द हम प्रारंभ करने वाले हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि झारखंड को आधुनिक बनाने की दिशा में हम कितना योगदान कर सकते हैं। 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से मैंने एक बात कही थी डिजिटल इंडिया की। वक्त बदल चुका है, आप भी अगर टेलीफोन थोड़े समय के लिए अगर बंद हो जाए, कनेक्टिविटी अगर थोड़ा समय बंद हो जाए, तो आप परेशान हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? मोबाइल फोन की बैटरी डिस्चार्ज हो जाए तो परेशान हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? मोबाइल फोन के लिए जिंदगी गुजरना आपके लिए संभव है क्या? झारखंड जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्र में भी मोबाइल फोन ने इतनी जगह बना ली है जिंदगी की। क्या कारण है? कारण है टेक्नोलॉजी, उसके कारण आई हुई सरलता। क्या हमारी पूरी शासन व्यवस्था में ऐसी सरलता हम ला सकते हैं कि नहीं ला सकते? सामान्य मानवी के लिए सरकार उसकी हथेली में होनी चाहिए, यह हमारा सपना है। सरकार दिल्ली में न हो, सरकार रांची में न हो, सरकार हिंदुस्तान के नागरिक की हथेली में हो, यह काम है डिजिटल इंडिया का। आपके मोबाइल फोन में पूरे की पूरी सरकार लाई जा सकती है। आप अपने मोबाइल फोन से सरकार में क्या काम है, कहां काम है, कैसे काम है, इस काम को कर सकते, इतना टेक्नोलॉजी और विज्ञान का विकास हुआ है। लेकिन भारत इसमें बहुत पीछे है, बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन कहीं से तो शुरुआत करनी चाहिए। और इसलिए डिजिटल इंडिया का सपना पूरा करने के लिए लाखों करोड़ों रुपयों की लागत से पूरी शासन व्यवस्था को उसका सरलीकरण हो, डिजिटल फॉर्म में इजीली अवेलेबल हो, सामान्य से सामान्य मानवी सरकार के किसी भी पुर्जे तक तुरंत पहुंच पाए, घर बैठे पहुंच पाए,
ऐसी व्यवस्था हो सामान्य नागरिक को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जैसे उसे गैस पाइपलाइन से गैस मिलता है, पानी की पाइपलाइन से पानी मिलता है, उसी प्रकार से डिजिटल के द्वारा इंफॉर्मेशन भी मिले, इस प्रकार का प्रबंध करने की कल्पना के साथ आज झारखंड की धरती से इस डिजिटल इंडिया के लिए कुछ प्रकल्प का प्रारंभ हुआ है, जिसमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक पार्क की कल्पना है, जिसमें नेटवर्क को और अधिक ताकतवर बनाने की कल्पना है। इन प्रयासों का परिणाम यह होगा कि झारखंड भी डिजिटल वर्ल्ड की दुनिया में बहुत ही तेजी से अपनी जगह बना लेगा। भाइयों बहनों, एक के बाद ये सरकार इतनी तेज गति से क्यों चल रही है, एक के बाद एक महत्वपूर्ण निर्णय क्यों कर पा रही है? मेरे झारखंड के भाइयों बहनों, ये इसलिए कर पाई है कि देश की जनता ने पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली में एक सरकार को चुना है। अगर हमें भी पूर्ण बहुमत न मिला होता, अस्थिरता होती, गठजोड़ की दुनिया होती, तो शायद आज जिस विश्वास के साथ मैं एक के बाद एक कदम उठा रहा हूं, शायद नहीं उठा पाता। पूर्ण बहुमत का महत्व मैं समझता हूं, देश भी समझता है। स्थिर शासन का महत्व मैं समझता हूं, झारखंड के लोग भी समझते हैं। और भाइयों बहनों, अब झारखंड एक महत्वपूर्ण उम्र के दौर से गुजर रहा है। झारखंड की उम्र हो गई है 13-14 साल। परिवार में भी बेटा या बेटी जब 13 या 14 साल के हो जाते हैं ना, तो माँ बाप उनकी स्पेशल केयर करते हैं, ज्यादा उनकी चिंता करते हैं। अच्छी स्कूल मिले, अच्छी कॉलेज मिले, अच्छे दोस्त मिले, उनका सही डेवलपमेंट हो, क्योंकि ये एज ऐसी होती है उसमें बेटे या बेटी के जीवन में जो होगा उसी की धरोहर पर उसकी पूरी जिंदगी बनती है। व्यक्ति के जीवन में भी 13 से 18 साल की उम्र का जैसा महत्व होता है, वैसा ही महत्व राज्य के जीवन में भी होता है। और इसलिए अब झारखंड उस महत्वपूर्ण उम्र के दौर में प्रवेश कर रहा है। आपको तय करना है, जब झारखंड 18 साल का हो तब झारखंड कैसा होना चाहिए। इस महत्वपूर्ण समय में झारखंड कैसा हो, झारखंड के सपने कैसे हो, झारखंड की योजनाएं कैसी हो, उन योजनाओं को चलाने वाली व्यवस्था कैसी हो, इस पर गंभीरता से सोचने का समय ये झारखंड की जनता के पास आया है। और इसलिए भाइयों बहनों, ये झारखंड के महत्वपूर्ण वर्ष विकास के वर्ष में बने रहे। झारखंड का ये 13 से 18 साल की उम्र का दौर झारखंड को नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने वाला बने, नए सपने हो, नई ऊर्जा हो, उसे प्राप्त करने के लिए 3.25 करोड़ झारखंड वासियों का अनगिनत पुरुषार्थ हो। तो भाइयों बहनों, जी बिरसा मुंडा को लेकर के हम सीना तान करके घूम रहे हैं, वही झारखंड की जनता देश के सामने सीना तान करके खड़ी हो सकती है। और उस काम को करने के लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की। ऐसे नहीं, भारत माता की।
भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। और आज के समारोह की सुखद स्मृतियां हमारे मानस में हमेशा रहेंगी। हम चाहेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी को भी इसकी स्मृति रहे। मैं आग्रह करूंगी केंद्रीय ऊर्जा सचिव श्री पीके सिन्हा जी से कि माननीय प्रधानमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। श्री पीके सिन्हा जी, माननीय प्रधानमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। हम निवेदन करेंगे केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सचिव श्री राम सेवक शर्मा जी से कि झारखंड के माननीय राज्यपाल महोदय जी को भी स्मृति चिन्ह भेंट करें। निवेदन करेंगे कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस सचिव श्री सौरभ चंद्रा जी झारखंड के मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। और इसके साथ ही हमारा आज का ये कार्यक्रम हम यहीं संपन्न करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।